ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही अपने लिए एक से बढ़कर एक आलीशान और सुंदर घर बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी भी सोच बदल जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो अपने लिए इतने सुंदर घोंसले बनाते हैं जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या कभी आपने ऐसी चिड़िया के बारे में सुना है जो अपने घोंसले में एसी लगाती है, या फिर आप किसी ऐसी चिड़िया को जानते हैं जो अपने घोंसले को बिल्कुल इंसानों की तरह ही सजाती है? अगर नहीं देखा है या फिर सुना भी नहीं है तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि इसे किसी पक्षी ने बनाया है या फिर किसी इंसान ने। नंबर 10, द मोंटेजुमा और पेंडोला नेस्ट। अमेरिका में पाने जाने वाली इस चिड़िया का घोंसला देखने पे ऐसा लगता है मानो किसी पेड़ पे कटहल लटका हुआ हो। यह पक्षी अमेरिका में पाए जाते हैं और इन पक्षी के घोंसले लगभग 30 मीटर ऊंचे होते हैं। इन घोंसलों की लंबाई 100 सेंटीमीटर तक की होती है। इन घोंसलों को बनाने के लिए पक्षियों को सूखी घास और लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें ढूंढने के लिए इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि यह पक्षी एक ही पेड़ पे 100 से ज्यादा घोंसले बनाते हैं, क्योंकि यह पक्षी हमेशा साथ रहने में विश्वास रखते हैं। अगर आप भी अमेरिका जाएं और ऐसी चीज को लटके हुए देखें तो बिल्कुल भी हैरान ना होना। नंबर 9, मेल फाउल बर्ड नेस्ट। आपने भी बहुत तरह के घोंसले देखे होंगे और सिर्फ पेड़ पे ही देखे होंगे। हाँ, पक्षी तो घोंसले पेड़ पे ही बनाते हैं, लेकिन जरा रुक जाइए, मेल फाउल नेस्ट पेड़ पे नहीं जमीन पर अपना घोंसला बनाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, ये पक्षी अपना घोंसला जमीन पर बनाते हैं और वह भी अपने पंजों से खोदकर। इनके घोंसले को देखकर ऐसा लगता है कि इसे किसी बड़े जानवर ने यह खोदा होगा। यह घोंसला बिल्कुल ही अलग होता है बाकी घोंसलों के मुकाबले, लेकिन यह घोंसला और भी कमाल का तब दिखता है जब यह पक्षी अपने घोंसलों में अंडे देते हैं। इस दौरान यह पक्षी अपने घोंसलों को चारों तरफ से लकड़ियों से इस तरह से ढक देती है, उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहां पे कोई घोंसला भी है। और यह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी जानवर इनके अंडों को हानि ना पहुंचा सके। इसलिए इस पक्षी के घोंसले को दुनिया का सबसे सुरक्षित घोंसला कहा जाता है। आपको ये लगता है कि इंसान जैसे इन पक्षियों में कितनी ज्यादा समझदारी है? नंबर 8, वॉर बर्ड नेस्ट। यह पक्षी बिल्कुल इंसानों की तरह ही बिल्कुल आर्टिस्ट होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वह कैसे। दरअसल इन पक्षियों को भी इंसानों की तरह ही अपने घर को सजाना का शौक होता है। इनका घोंसला भी बाकी पक्षियों से बिल्कुल अलग होता है और यह भी अपने घोंसले को जमीन पे ही बनाते हैं, लेकिन इनका घोंसला इतना खूबसूरत होता है कि इन्हें देखने के बाद ऐसा लगेगा कि इन्हें किसी इंसानों द्वारा बनाया गया है। इन्हें देखने के बाद आप जरूर सोचेंगे कि कोई पक्षी अपने घोंसले को इतना सुंदर कैसे बना सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह पक्षी इतना सुंदर घोंसला बनाने के लिए ऐसे किस चीज का इस्तेमाल करते होंगे। यह पक्षी भी नॉर्मल पक्षियों की तरह ही सूखी लकड़ी और पत्तियों का ही इस्तेमाल करते हैं। जब एक बार इनका घोंसला पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो ये अपने घोंसले को रंग बिरंगे फूल पत्तियों से सजाते हैं। इन्हें अपने घोंसले के साथ साथ घोंसले के आसपास की जगहों को भी सजाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। यह सब देखने के बाद यह तो सब पक्का है कि इन पक्षियों के अंदर भी इंसानों की तरह ही साफ सफाई का कीड़ा मौजूद है। नंबर 7, वेवर बर्ड नेस्ट। वेवर को दुनिया का सबसे पुराना पक्षी में से एक माना जाता है और इनका घोंसला दुनिया के सबसे खूबसूरत घोंसलों में से एक भी है। इनका घोंसला आपको ज्यादातर लंबे लंबे पेड़ों पे देखने को मिलता है। यह अपना घोंसला बनाने के लिए बड़ी बड़ी घास की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। यह पक्षी अपना घोंसला इतना मजबूत बनाते हैं कि यह तेज आंधी तूफान भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। जाहिर है, इतना मजबूत घोंसला बनाने के लिए तो समय तो लगेगा ही, इसलिए इन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए 3 से 4 महीने का समय भी लगता है। नंबर 6, कॉमन टेलर बर्ड नेस्ट। नाम के आगे कॉमन लग जाने के बाद इस पक्षी को कॉमन समझने की भूल बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि इनके घोंसले बिल्कुल भी कॉमन नहीं होते हैं। एशिया में सबसे ज्यादा यही पक्षी पाए जाते हैं और यह पक्षी अपना ज्यादा समय पेड़ों पे ही गुजारते हैं और इनके घोंसले बनाने का तरीका को सुनके आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। दरअसल यह पक्षी मजबूत और हरी पत्तियों को चुनके उनके किनारों पे इतना पतला छेद करते हैं कि ना तो पत्ते का शेप खराब होता है और ना ही तो यह सूखते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। इसके बाद पौधों के फाइबर या फिर कीड़ों से मिलने वाले रेशम से यह पत्तों को आपस में चिपका के बहुत ही अच्छी तरह से इनकी सिलाई कर देते हैं। ये अपने घोंसलों को बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और अच्छे से सिलाई करते हैं, जो कि इस घोंसले को तेज हवा के साथ साथ दूसरे पक्षियों के शिकार से भी बचाते हैं। और इनका घोंसला बनाने के बाद इतना सुंदर लगता है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे और कहेंगे कि यह किसी पक्षी का काम नहीं है।
नंबर 5 बाल्ड ईगल नेस्ट। चलिए अब आप ये बताइए कि आपने अपनी लाइफ में कितने बड़े घोंसले को देखा होगा या फिर एक घोंसले का साइज कितना हो सकता है। आप कहेंगे कि एक प्लेट के साइज का या फिर एक हाथ जितना। लेकिन अगर हम आपसे कहेंगे कि इस दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी है जिसका घोंसला 12 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा होता है, आप मेरी बात का बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि बाल्ड ईगल का घोंसला को देख के आप हमारी बात में यकीन जरूर करेंगे। यह तो सभी को पता है कि बाल्ड ईगल को शिकार करने का बहुत शौक होता है और पक्षियों में सबसे ज्यादा शिकार वही करता है। बाल्ड ईगल नॉर्मल पक्षियों से लगभग 10 गुना तक बड़े होते हैं, तो जाहिर है इनका घोंसला भी बड़ा ही होगा। बाकी पक्षियों के जैसे भी ये भी अपना घोंसला पेड़ की टहनियों पे ही बनाते हैं, क्योंकि इनके घोंसले का साइज काफी बड़ा और हैवी होता है, इसीलिए इसे बनाने में काफी समय भी लगता है। यही रीजन है कि बाल्ड ईगल अपने घोंसले को अंडे देने के लगभग 4 महीने पहले ही बनाना शुरू कर देता है। यह अपना घोंसला सुनसान जगह या फिर जंगल में बनाता है, इसलिए इनका घोंसला इंसानों की नजरों में भी नहीं आता है। इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह अपने घोंसले का साइज समय समय पर बढ़ाते रहते हैं। इसे ईगल के द्वारा बनाया गया घोंसला सबसे बड़ा फ्लोरिडा में पाया गया था, जिसकी लंबाई लगभग 20 फीट और वजन लगभग 3000 किलो के बराबर था। है ना, ये बिल्कुल कमाल की बात। सच में इस दुनिया में एक से बढ़कर एक चीज है, लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन आपको पता चलेगा हमारी वीडियो देख के, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अलग अलग जानकारियां और फैक्ट्स लेकर आते रहेंगे। नंबर 4 सोशेबल वेबर बर्ड नेस्ट। सोशेबल वेबर बर्ड के घोंसले को घोंसला नहीं जिला कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अफ्रीका में पाए जाने वाले इन बर्ड्स के घोंसले को दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला माना जाता है और इन बर्ड्स का सारा ग्रुप मिलके एक साथ घोंसला तैयार करता है। इनका घोंसला इतना बड़ा होता है कि इनमें एक साथ 300 से 400 सोशेबल वेबर बर्ड्स एक साथ रह सकती है। इनका घोंसला किसी दूसरे पक्षी के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत भी होता है। इनके घोंसला इतना कमाल का होता है कि आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके घोंसले गर्मी में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत है। देखने में यह घोंसला आपको बेड पे बिछे किसी मखमली गद्दे तरह ही लगेगा, इसलिए कभी कभार जहाँ के बड़े बड़े जानवर भी इस घोंसले में आराम करने के लिए आ जाते हैं। नंबर 3 यूरोपियन बी ईटर बर्ड नेस्ट। इस बर्ड के नाम से ही आप समझ ही गए होंगे कि यह पक्षी अपना पेट भरने के लिए क्या खाता होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यूरोपियन बी ईटर बर्ड अपने पेट भरने के लिए मधुमक्खियों का शिकार करते हैं। अपने खाने की तरह ही ये पक्षी अपना घोंसला दूसरे पक्षियों से हटके ही बनाते हैं। दरअसल बाकी पक्षियों की तरह यूरोपियन बी ईटर बर्ड अपना घोंसला किसी पेड़ पे नहीं, बल्कि किसी पहाड़ के किनारे, रेत के किनारे या पानी के किनारे पे जमी हुई मिट्टी के अंदर होल करके बनाते हैं। इन पक्षियों को ऐसी जगह पे घोंसला बनाने का पीछे का कारण यह है कि इन्हें ऐसी जगह को पे रहना पसंद है जो खुलेदार हो, लेकिन इसके लिए इन्हें काफी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। दरअसल एक होल जैसा घोंसला होने की वजह से ज्यादातर सांप इनके घोंसले में बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं और इनके अंडे को खा जाते हैं। इन्हें अपना घोंसला बनाने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लग जाता है। ये अपना घोंसला तो बनाते ही और साथ साथ अपने दूसरे यूरोपियन बर्ड्स की भी मदद करते हैं। नंबर 2 हमिंग बर्ड नेस्ट। हमिंग बर्ड जितने खूबसूरत होते हैं उनके घोंसले को भी दुनिया का सबसे खूबसूरत घोंसला माना जाता है। ये साइज में जितने छोटे होते हैं ठीक बिल्कुल उल्टा ही अपना घोंसला बनाने के लिए किसी बड़े पेड़ को चुनते हैं। यह पक्षी अपना घोंसला इतनी ऊंचाई पे बनाते हैं कि जमीन से देखने के बाद शायद ही ठीक से दिखाई भी दे इनका घोंसला। जमीन से इन पक्षियों के घोंसले की दूरी करीब 40 से 100 फीट तक होती है। हमिंग बर्ड अपने घोंसले को तैयार करने में 10 से 12 दिन का समय लगाती है। हमिंग बर्ड्स के घोंसले की सबसे खास बात यह है कि यह अपने घोंसलों को बनाने के लिए घास फूस के साथ साथ मकड़ी के जालों का भी इस्तेमाल करती है। इनका घोंसला बिल्कुल किसी सुंदर कप की तरह दिखाई देता है। इनका घोंसला बिल्कुल इलास्टिक की तरह होता है जो स्ट्रेच होता रहता है। इन इलास्टिक का फायदा हमिंग बर्ड्स के बच्चों को होता है। जैसे जैसे इनके बच्चे बड़े होते रहते हैं इनका घोंसला भी वैसे वैसे बढ़ता रहता है। हालांकि हमिंग बर्ड सिर्फ अपने घोंसलों को सुंदर बनाने के लिए नहीं रहती है, वह अपने घोंसलों को मजबूत और सुरक्षित भी बनाती है ताकि कोई भी उनके बच्चों पे हमला ना कर सके। नंबर 1 एल्फ ऑल नेस्ट। दिन में सोने और रात को जगने वाले उल्लू के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं और हमें यह भी पता है कि उल्लू अपना घोंसला ज्यादातर ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे बनाते हैं, लेकिन एल्फ ऑल नॉर्मल उल्लू जैसे बिल्कुल नहीं है। यह अपना घोंसला पेड़ों के टहनियों पे नहीं बल्कि कैक्टस के कांटेदार पौधों के अंदर बनाते हैं, जो देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल घोंसलों जैसे नहीं लगता है। ऐसा इसीलिए है कि घोंसलों में बनाने के लिए इन्हें किसी भी प्रकार की घास की पत्ती की या फिर लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती है। यह बस कैक्टस के पौधों को खोद कर उनमें एक छेद कर देते हैं और उसी छेद में रहते हैं और उनमें यह अंडे भी देते हैं। एल्फ ऑल का घोंसला बाकी ऑल के घोंसले से बहुत सुरक्षित और आरामदायक भी होता है। आपको इनमें से किस पक्षी का घोंसला सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।